पांच ऐसे एनिमल जो कि दूर से ही आपको मार सकते हैं। जब भी हम कोई खतरनाक सांप को देखते हैं तो उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके नजदीक गए या इनके संपर्क में आए तो ये हमें काट सकते हैं। इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमेशा खतरनाक जानवरों या सांपों से दूर रहना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकृति में कई ऐसे जीव भी हैं जो कि बिना आपके संपर्क में आए आपको मार सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कुछ एनिमल्स बिना आपको काटे भी मार सकते हैं। आखिर कोई एनिमल ऐसा कैसे कर सकता है और कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो कि बिना काटे दूर से ही अपने टारगेट को मार सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब जानते हैं ऐसे पांच एनिमल्स के बारे में जो कि अपने टारगेट पर हमला करके उनको खत्म कर सकते हैं। नंबर पांच, पिस्टल श्रिम्प। पिस्टल श्रिम्प समुद्र वाले विचित्र जीवों में से एक हैं। साथ ही इसका हथियार भी बेहद अनोखा होता है। दरअसल ये अपने शिकार को मारने के लिए ना तो उसे काटता है ना ही अपने जहर का इस्तेमाल करता है, बल्कि अपने मुंह से एक खास किस्म का क्लिकिंग साउंड निकालता है। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि उसके साउंड से ही शिकार ढेर हो जाता है। ये जीव लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साउंड निकालता है। इस साउंड से लगभग 80 किलो पास्कल तक दबाव उत्पन्न होता है। इस कारण इस जीव के आसपास रहने वाले दूसरे जीव तुरंत ढेर हो जाते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि क्या इस साउंड से एक इंसान की मौत हो सकती है? देखो भाई, सामान्य परिस्थिति में इसका जवाब है नहीं, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे पिस्टल श्रिम्प आज और इनका आकार सामान्य से बड़ा हो तब ये जरूर एक इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर चार, सी कुकम्बर। सी कुकम्बर एक ऐसा जीव है जो कि समुद्र की सतह पर चिपका हुआ रहता है। इस जीव की खासियत यह है कि ये आमतौर से देखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा जीव इस जीव के आसपास पहुंचता है ये तुरंत अपने शरीर से एक धागे नुमा स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकालता है और इस धागे नुमा स्ट्रक्चर में दूसरा जीव उलझ जाता है। इस धागेनुमा स्ट्रक्चर में एक चिपचिपा केमिकल लगा होता है। इसके संपर्क में आते ही छोटी मछलियां और दूसरे छोटे जीव लगभग 100 सेकंड के आसपास में ही इसमें पूरे तरीके से जकड़ जाते हैं और फिर उन बेचारों की मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एक साथ बहुत अधिक संख्या में सी कुकम्बर किसी इंसान पर अपने धागेनुमा स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो एक इंसान भी इसमें उलझकर मर सकता है भाई। नंबर तीन, कलेक्टर अर्चिन। कलेक्टर अर्चिन समुद्र में पाए जाने वाली एक खास जीव है। ये समुद्र में लगभग 30 मीटर की गहराई में रहती है। ये ज्यादा समुद्र की सतह पर रहना पसंद करती है। इनका आकार 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। कलेक्टर अर्चिन का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। ये किसी को काटता तो नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई इसके करीब आता है ये अपने शरीर के आसपास कांटे जैसी नुकीली चीज शरीर के बाहर निकालता है। जैसे कोई व्यक्ति या अन्य जीव इन कांटों के संपर्क में आता है उसके शरीर पर गहरा जख्म हो जाता है, साथ ही बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। अगर कलेक्टर अर्चिन का बहुत सारे कांटे एक साथ किसी व्यक्ति को चुभ जाएं और भैया इलाज भी ना मिले तो समझ लो उस व्यक्ति की तो भैया मौत हो सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये जीव समूह में नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति को इनका कांटा चुभ भी जाता है तो मामूली से इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है। नंबर दो, एक्रोबैट एंट्स। आमतौर पर चींटियां खतरनाक नहीं होती, लेकिन चींटियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अगर अपने आप ही पर आ जाए ना भाई फिर तो इंसान को धूल चटा देती हैं। चींटियों की खतरनाक प्रजातियों में से एक को एक्रोबैट एंट्स के नाम से जाना जाता है। इन चींटियों की खूबी यह है कि जैसे ही इन्हें खतरा महसूस होता है तुरंत ही अपने पेट के बल खड़े होकर अपने मुंह से एक खास किस्म का केमिकल रिलीज करती हैं। ये केमिकल दरअसल एक प्रकार का जहर होता है जिसका इस्तेमाल ये चींटियां अपने शिकार को मारने के लिए करती हैं, खास तौर से दीमक को मारने के लिए। एक्रोबैट एंट अपने जहर का इस्तेमाल करती हैं। इस जहर के असर से लगभग 10 मिनट के अंदर एक दीमक और दूसरे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ये चींटी लगभग 10 सेंटीमीटर तक अपने जहर को फेंक सकती है। इस समूह की अगर कोई एक चींटी अपने जहर को इंसानों के शरीर पर फेंक दे बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन अगर एक साथ हजारों की संख्या में एक्रोबैट एंट अपने जहर को किसी इंसान के शरीर पर फेंके जो हालत होगी वो तो अलग, उस इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर एक, स्पिटिंग कोबरा। बिना काटे दूर से अपने टारगेट को खत्म करने के मामले में नंबर एक पर स्पिटिंग कोबरा का नाम आता है। ये सांप बहुत खतरनाक होते हैं। इस सांप की खासियत यह है कि जैसे ही इस सांप को कोई खतरा महसूस होता है ये अपने टारगेट की ओर मुंह करके अपने मुंह से जहर सामने की ओर फेंक देता है। ये सांप लगभग 6.6 फीट की दूरी तक अपना जहर फेंक सकता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी व्यक्ति की आंख में चला जाए तो तत्काल उस व्यक्ति की आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। इसके अलावा अगर ये जहर खून के संपर्क में आ गया ओ भाई, ऐसी हालत में इंसान की मौत भी हो सकती है, क्योंकि खून के संपर्क में आते ही ये जहर सांस लेने में मदद करने वाली मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता है।
जिससे व्यक्ति सांस नहीं ले पाता और फिर उसकी मौत हो जाती है। स्प्रिंग कोबरा अपने इस हथियार का इस्तेमाल इंसानों से बचने के लिए तो करते ही करता है, साथ ही जब कोई दूसरा जानवर भी इसके रास्ते में आता है तो उस पर भी ये सांप अपना जहर छोड़ देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो में बताए गए एनिमल्स में से सबसे खतरनाक एनिमल आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में अगर हमें बताएं। साथ ही अगर आप भी ऐसे किसी एनिमल के बारे में जानते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लगातार लाते रहें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।